जाइए कौन से माफ कर देंगे महाराज। मैं अपने कुटुंबियों के साथ सातों में चिंता दबाए इतनी दूर उनके शिविर में जाऊं और लोग मुझे बंदी बना ले तो सारा जग हम पर हंसेगा। महाराज जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है उसे कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए इतना अंग बता दूं कि लंका को चारों तरफ से बांद्री सेना ने घेर लिया था तो उस करुणा के सागर में मुझे बुलाकर कहा कि युवराज अंगद तुम मेरा शांति दूत बनकर जाओ, मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ। महाराज रावण से कहना कि वो मुझे सीता वापस दे दे, मैं सीता को लेकर यहाँ से चलाऊंगा। हाँ महाराज, इसमें तुम्हें रावण की दौलत दिखाई देती है, रावण का भय नहीं। अरे मत, जिसकी पत्नी का हरण ले जाए उसके रक्त पर विश्वास का जोर नहीं। अरे लगता है उसमें क्षत्रिय का खून नहीं, सीता कोई दान में देने वाली वस्तु नहीं है, उसे तो अपने भाव कौन से जीता जाता है। महाराज प्रभु श्री राम ने माता सीता को अपने बाहों में नहीं जीता। मैंने सुना है कि प्रभु श्री राम ने उस धनुष को तीन के घाटी उठाकर तोड़ दिया महाराज। अरे मूर्ख, इन दस कथाओं में क्या रखा है? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे परम मित्र के पुत्र हो, तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मैं डेरा इंद्र के पुत्र महाराज बाली का पुत्र हूँ, मेरा नाम अंगद है। अरे पुत्र, और इस अवस्था में, अरे किसने तुम्हारे पिता का हत्या किया है? तुमने उसका साथ दे रहे पिताश्री, हो सकता है या अपने काका डुगरी के भय से उनके दल में रहता हो। ऐसी बात है तो तुम अपने को असहाय मत समझो, तुम राम का प्रिय हो, उसका फायदा उठाकर तुम राम का हत्या कर दो, इससे तुम्हारे पिता का मृत्यु का बदला निकल जाएगा और यही वीर पुरुष का कर्तव्य है। और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा राजगद्दी अवश्य दिलवाऊंगा। महाराज मेरे पिता श्री महाराज बाली ने मरते समय प्रभु श्री राम के हाथों में मेरा हाथ दिया था और बोला था कि अंगद प्रभु श्री राम की चरणों की सेवा सदा करता रहना, मुझे किसी राजगद्दी की लालच नहीं है। महाराज रावण तुम्हें मेरी सहायता नहीं चाहिए, राम के क्रोध से डरो जिसका कैलाश पर्वत की ओर जाता है तो जगमगाने लगता है, जिसके भय से इंद्रादि देवता कांप उठते हैं। महाराज रावण मैं ये जानना चाहता हूँ इस पृथ्वी में कितने रावण हुए हैं? एक रावण जो महाराज बलि के जितने पकार लोग गया था तो वहां बच्चे ने घुड़सवार में बांध दिया था तो महाराज बलि नहीं दया करके छोड़वा दिया था। एक रावण ये समस्त राव ऋषि ने कंस एक भांति उसे हाथों में पकड़ लिया था, समस्त ऋषियों ने दया करके छोड़वा दिया था। एक रावण जिससे मुझे कहने में संकोच होती है कि मेरे पिता श्री महाराज बाली ने 6 महीने तक कई पर्वतों पर घूमते रहे काठ में दाग करने से कौन सा रावण है महाराज? हमारी सब प्रसिद्ध रावण है जिसकी भुजाओं की शक्ति कैलाश पति जानते हैं, जिसकी भुजाओं की शक्ति कैलाश पर्वत जानते हैं, जिसकी बड़ी महाराज बड़ी भगवान रावण है, जिसकी जलमान से शक्ति ऐसे प्राप्ति है जैसे किसी नाव पर मतवाला हाथी सवार हो। मेरी छाती की कठोरता दूसरे दिशाओं की हाथी जानते हैं, जिसके सीने से टकरा टकरा के उसके साथ टूट गए। हमारी सूरवीरता उमापति महादेव जानते हैं, जिसने अपना सर्वती पुष्प चाह चाह कर पूजा किया है। अरे तुम्हारे नाम ने कुछ भाजपा की सहायता से सेतु पर बांध क्या बांध लिया, इसे सूरवीर कहलाएंगे। अरे पृथ्वी उस समुद्र को लाग लगी, इसे सूरवीर नहीं कहलाएंगे। क्या यही तुम्हारी राम की वास्तविकता है कि कुछ बांधों की सहायता से सेतु बांध लिया, इसे वो सूरवीर कहलाएंगे? महाराज
आपने बहुत से हीरे का बखान किया, मैं आपकी सभा में अपना पांव जमाता हूँ। अगर कोई भी वीर योद्धा मेरा पैर उठाकर दिखा देगा तो प्रभु श्री राम की शरण खाकर कहता हूँ कि माता जानकी को छोड़कर, माता जानकी को छोड़कर पूरी पांडरी के साथ अयोध्या वापस चले जाएंगे। जय श्री राम। इसके पैर को उठाकर इसे मेरी शक्ति का एहसास दिला दो, ताकि ये भी जान जाए कि मेरी शक्ति में क्या है। आई है श्री राम लंका में, करी है तुहर खून के तोर दिल बानी घमंड हो, घमंड हो बेहतर साजा हम देनी, आज तहनी के समर में हो, समर में हो दे दी उचित दंड, शक्ति दिखाएंगे, मैं अपना इन्हें शक्ति नहीं खाता।